everyone, welcome to Reema Doa classes. I hope you all are studying really well. So in last class we discussed about bailment contract, who is bailer, who is bailee, right? So today our topic is locker operations. This is also one crucial function that a bank actually performs, or जो ऐसी एक facility है जो bank customers को दे रहा है ताकि लोग अपने valuables को safely bank में रख सकें. So most important aspect for locker operation is this, कि हम वहाँ पे अपने क्या रख रहे हैं, अपने valuables रख रहे हैं. Valuables में क्या आता है, jewellery आता है, कभी हमारे कुछ important papers आते हैं, कुछ deeds आते हैं, कुछ business meeting से related या business transaction से related, या फिर हमने कोई dealings करी हैं या हम किसी partnership firm में आए हैं, तो उसके कुछ papers होते हैं, हमारे घर के papers होते हैं. All of those things we can keep as valuable in the locker. अब उस locker को bank में जब हम use करते हैं या rent पे लेते हैं, उसको कहते क्या हैं? That is called vault. That is called vault. तो वो एक safe box, वो एक safe box, या फिर हम कहें उसको locker, और उसका other name क्या है? Vault. So vault की facility is considered to be the safest because वो trustworthy place है for the customer. घर में रखने से better उसको क्या लगता है कि वो अपने valuables को कहाँ रखे? Bank में रखे, because उसको एक safety purpose की वजह से ये beneficial लगता है. वहाँ पे बहुत से security operations किए जाते हैं, on the everyday basis it is being taken care so well, जो कि हम शायद अपने घर में नहीं कर सकते. So उस perspective की वजह से लोग vault को rent out करते हैं, rent पर लेते हैं, और banks उसको rent out कर रहे हैं, right? So that is trustworthy place, सबसे important चीज. अब कौन इसकी facility ले सकता है? Who can avail the facility of bank locker? So that is any adult individual, जो भी 18 plus है, कोई भी firm हो, कोई भी company हो, वो इस vault को ले सकती है rent पे. और उसके लिए उसको क्या करना पड़ता है? Number one thing, उसको एक अपना account ओपन करवाना पड़ता है, दैट इज वन एस्पेक्ट. और सेकेंड एस्पेक्ट क्या है, अगर आप अपना जर्नल अकाउंट, मतलब सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट नहीं ले रहे हैं, अगर आप वहां पे एक एफडी करा लेते हैं, एफडी मींस फिक्स डिपॉजिट, अगर आप वहां पे अपना एक फिक्स डिपॉजिट करा लेते हैं, तो उसके बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, विच इज द फैसिलिटी ऑफ लॉकर. और उसमें हम एफडी जो करा रहे हैं, जो उसका अमाउंट हम रखेंगे वो कितना होगा, बेसिकली रेंटल फॉर 3 इयर्स, यानी कि 3 साल का रेंटल एक ही बार में वो हमसे एफडी के फॉर्म में ले लेंगे. बिकॉज बैंक को भी एक सिक्योरिटी चाहिए कि आप लॉकर ले रहे हो, कल को आप उसका रेंट भरोगे या नहीं भरोगे. सो दैट इज द पर्पज कि बैंक एक ही साथ आपसे 3 साल का रेंट ले लेता है, और उसके बाद वो आपको फैसिलिटी दे देता है. एंड यहाँ पे दो पार्टीज इन्वॉल्व हैं. मैं अगर बैंक में अपनी वैल्यूएबल्स रख रही हूँ, तो आई एम आल्सो वन पार्टी. देन हु आई एम गोइंग टू बी कॉल्ड एज? आई एम गोइंग टू बी कॉल्ड एज लेसर. जो अपने वैल्यूएबल्स बैंक में रखेगा, रेंट पे लेगा लॉकर को, वो पर्सन है लेसर. और जहाँ पे हम अपने सामान को रखने जा रहे हैं, इन द सेफ बॉक्स और वॉल्ट, तो वो कौन कहलाता है? बैंक. एंड बैंक को हम क्या बोलते हैं? लेसी. तो बैंक क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेसी. और एज अ कस्टमर हम कौन है? लेसर है. सो व्हाई बैंक्स आर नॉट सपोज टू कंपनसेट इफ समथिंग गोज मिसिंग इन लॉकर? अगर हमारे लॉकर में से कुछ मिसिंग हो जाता है, तो बैंक उसके लिए क्यों नहीं पे करेगा? व्हाई बैंक इज नॉट फोर्स टू डू दैट? व्हाई? बिकॉज बैंक को ये कभी नहीं पता होता कि आप अपने लॉकर में क्या रख रहे हो, बिकॉज दिस इज कॉन्फिडेंशियल. दिस इज क्वाइट अ सिक्योरिटी मेजर की वजह से वो ना तो किसी को देखने देंगे, और आप सेफली जाके अपने सामान को रख सकते हो, अपना लॉकर ऑपरेट कर सकते हो, एंड देन यू कम आउट, राइट? तो इसी वजह से बैंक को हम फोर्स नहीं कर सकते, या बैंक से हम कंपनसेशन नहीं मांग सकते. और किस कंडीशन में हम कंपनसेशन मांग सकते हैं, वो हम आगे की वीडियोज में अभी डिस्कस भी करेंगे, राइट? सो बैंक लॉकर चार्जेस. अब बैंक के लॉकर चार्जेस होते कैसे हैं और कैसे उसे सेट किया जाता है? तो हर बैंक के लॉकर चार्जेस आर डिफरेंट. सबसे पहली बात यह कि SBI के डिफरेंट होंगे, मे बी PNB के डिफरेंट होंगे, ICICI बैंक के डिफरेंट होंगे. तो ये बैंक की लोकेशन पर, कि वो कितनी प्रीमियम लोकेशन पे अपना बैंक को रन कर रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो अपने चार्जेस
लोगों पर अप्लाई करते हैं फॉर दिस वॉल्ट फैसिलिटी. एंड सेकेंडली लॉकर रेंट इज हायर, एज आई टोल्ड यू कि जैसी जैसी लोकेशन होगी उसी के अकॉर्डिंग वो रेंट बढ़ता जाएगा. देन वी हैव प्राइवेट एंड फॉरन बैंक्स चार्जेस हायर रेट. और जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं या फॉरन बैंक्स हैं वो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं रेंट एज कम्पेयर टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, यानी कि जो गवर्नमेंट के अंडर रन हो रहे हैं. एंड मोर ओवर इसके बाद भी एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ही टिपिकल पॉइंट है कि अगर आप बैंक का लॉकर का फैसिलिटी मिड ऑफ द ईयर में लेते हो तब भी बैंक आपको कब से चार्ज करेगा, फॉर द होल ईयर आपको वो चार्ज करेगा. दिस इज द कंडीशन दैट बैंक अप्लाइज फॉर गिविंग द वॉल्ट फैसिलिटी. इसीलिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है ये वॉल्ट फैसिलिटी लेना, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा बेनिफिट भी है कि हम अपने वैल्यूएबल्स को बैंक में सेफली रख पा रहे हैं. सो लेट अस क्विकली रिकॉल कौन लॉकर फैसिलिटी ले सकता है. कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी, राइट. उसके लिए उसके पास अकाउंट होना चाहिए उस बैंक में, या फिर 3 ईयर्स के रेंटल के इक्वल अमाउंट पे उसको क्या करवाना होगा, FD करवाना होगा. और जिसको हम अपना सामान वैल्यूएबल के फॉर्म में दे रहे हैं, रख रहे हैं वहां पे, वो कौन पार्टी है, वो लेसी है. और जो दे रहा है अपना सामान वो कौन है, वो लेसर है, राइट. और इसके लिए कीज मिलती हैं कस्टमर को ऑपरेट करने के लिए, या फिर पिन सिस्टम होगा, या बैंक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो और कौन सा सिक्योरिटी ऑप्शन लेके चल रहा है, राइट. सो बैंक के चार्जेस डिपेंड करते हैं उसकी लोकेशन पे, और जितनी प्रीमियम लोकेशन पे बैंक होगा उतना ही उसका हायर चार्ज होगा. और प्राइवेट सेक्टर बैंक और फॉरेन सेक्टर बैंक हमसे ज़्यादा चार्ज करते हैं वॉल्ट का, यानी कि लॉकर फैसिलिटी का. और हम बैंक से कंपनसेशन क्यों नहीं ले सकते, बिकॉज बैंक को ये नहीं पता कि आपने लॉकर में क्या रखा है. अगर आपके लॉकर से कुछ मिसिंग होगा तो बैंक उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है. वाई वी कीप आर थिंग्स आर वैल्यूएबल्स इन अ बैंक, क्यों हम सोचते भी हैं ऐसा, बिकॉज हमें बैंक क्या लगती है, एक ट्रस्टवर्दी प्लेस लगती है. क्या लगती है, एक ट्रस्टवर्दी प्लेस जहाँ पे हम विश्वास कर सकते हैं कि अपना हम सामान एक ठीक लोकेशन पे, एक ठीक प्लेस पे रखने जा रहे हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बेसिक ऑफ लॉकर ऑपरेशंस. दिस इज ऑल्सो अ बिग फैसिलिटी ऑफ अ बैंक फॉर द कस्टमर्स, राइट. सो कीप वॉचिंग, एंड इफ यू फाइंड कन्फ्यूजन प्लीज डोंट miss out to mail me regarding any confusion. I will definitely try to resolve it. And for further online classes also, you can contact me for the same on the same email ID that I have given in the description box. Okay, thank you for watching, and don't forget to subscribe my channel.